नमस्कार, मैं हूं भूपेन पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं देश भर के आलू मंडियों की बात, जहां जहां से भी अपडेट मिल गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे छिबरामऊ की। छिबरामऊ में सफेद आलू बिका है आज आपका 300 से लेकर 371 रुपया पैकेट, और लाल आलू बिका है आपका 350 से लेकर 471 रुपया पैकेट। आज लाल आलू के रेट सभी जगह बढ़े हैं। फरुखाबाद में भी रेट बढ़े थे लाल आलू के, और छिबरामऊ में भी बढ़े हैं, बाकी जगह भी लाल आलू के रेट बढ़े हैं। शायद लाल आलू की डिमांड थोड़ी सी कहीं से आई है। और बात करते हैं नबीगंज की, तो नबीगंज में आज बिका है आपका, आज के मतलब कल शाम की मंडी का रेट है ये, और आज शाम को कुछ और होगा, तो 300 से 351 रुपया जो है आमतौर पे बिका था कल, और कुछ इक्का दुक्का आलू जो है 381 रुपया पैकेट भी बिके हैं। यहाँ पे आलू पैकेट से ही बिकता है, और छिबरामऊ में भी पैकेट से ही बिकता है, और नबीगंज में भी पैकेट से बिकता है, लेकिन दोनों जगह की भर्ती में थोड़ा डिफरेंस होता है। नबीगंज की भर्ती आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलती है और छिबरामऊ की भर्ती उतनी नहीं मिलती है। वही बात करते हैं जलालाबाद की, तो जलालाबाद में आपका बिका था आलू कल शाम का, ये भी शाम की मंडी है तो कल शाम का ही रेट है, आज शाम को कुछ और होगा। कल बिका 300 से लेकर 341 रुपया पैकेट, और इक्का दुक्का आलू 361 रुपया पैकेट तक बिके हैं, और आज शाम का भाव कुछ अलग हो सकता है। बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में आज सफेद आलू बिका है आपका 275 रुपए से लेकर 325 रुपया मन, यहाँ पे आलू मन से बिकता है, और मन जो है 40 किलो का होता है, और लाल आलू के रेट रहे हैं 325 रुपए से लेकर 381 रुपया मन, लाल आलू के रेट यहाँ पे भी बढ़े हैं। तो इसके बाद बात करेंगे हम बरेली की, बरेली और शाहजहांपुर की। तो बरेली और शाहजहांपुर में रेट चल रहे हैं आपके 300 से लेके 350 रुपया पैकेट के आसपास, और यहाँ पे पैकेट की बर्फी जो है लगभग 50 किलो के आसपास रहेगी। बात करते हैं बनारस की, तो बनारस और इलाहाबाद, तो बनारस और इलाहाबाद में लगभग दोनों जगह आलू आपका चल रहा है 700 से 800 रुपया क्विंटल एवरेज रेट, और बाकी कुछ अच्छे आलू जो है वो 850 रुपए क्विंटल तक बिक रहे हैं, और बाकी आमतौर पे जो भाव है वो 700 से 700 से 800 रुपए क्विंटल का ही भाव है। बात करें आगरा की, तो आगरा में रेट रहा है आपका आज 750 रुपए से लेके 900 रुपया क्विंटल, और वहीं पे मथुरा में आपका रेट रहा है 770 रुपए से लेके 925 रुपया क्विंटल। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली आजादपुर की, तो दिल्ली आजादपुर में आपका रेट रहा है 400 से लेके 425 रुपया पैकेट, यहाँ पे भाव कुछ गिरे हुए हैं। और वहीं पे बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आज बिका है 350 रुपए से लेके 400 रुपया पैकेट, तो यहाँ पे पंजाब में आलू के रेट थोड़े से बढ़े हुए दिख रहे हैं, 10-25 रुपए रेट बढ़े हुए लग रहे हैं, और दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आपको भर्ती जो है 50 किलो की ही मिलती है। भर्ती का इस टाइम पे बड़ा मतलब थोड़ा सा वो है कि बहुत जगह जो है हुंडा बिक्री होती, तो हुंडा में जैसे जलालाबाद हुआ आपका, नबीगंज हुआ, तो यहाँ पे भर्ती आपको 56-57-58 किलो तक की मिलती है, और फरुखाबाद में भर्ती आपको हुंडा में मिलेगी आपको 53-54 किलो की भर्ती मिलती है, और वहीं पे जो छिबरामऊ है, छिबरामऊ में भर्ती आपको वही 53-54 किलो की भर्ती मिलती है। फरुखाबाद में 54 किलो की मिनिमम गारंटी होती है, और बाकी ज्यादा भी हो सकता है उसमें। बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड रुद्रपुर की, तो यहाँ पे आपका आलू बिका है 800 से लेके 900 रुपया क्विंटल, और वहीं पे हल्द्वानी की बात करें तो यहाँ पे बिका है आपका 400 से लेके 425 रुपया पैकेट की भर्ती जो है इस टाइम पे 45 किलो है। हल्द्वानी की एक चीज है कि कभी यहाँ पे भर्ती 45 किलो की चलती है, कभी यहाँ पे 46 किलो की भर्ती चलती है, कभी यहाँ पे 47 किलो की भर्ती चलती है, कभी यहाँ पे 48 किलो की भर्ती चलती है, और कभी कभी 50 किलो की भी भर्ती यहाँ पे चलती है। तो ये मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा होता है, कि वहां पे भर्ती क्यों चेंज होती है, एक भर्ती नहीं रहती है, कभी 46 किलो, 47 किलो, 45 किलो, मतलब कुछ भी, मतलब यही 45 से लेके 50 के रेंज में भर्ती वहां पे रहती है, लेकिन भर्ती ये बदलती रहती है, क्यों बदलती है मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। बात करते हैं जयपुर की, जयपुर में आज बिका है आपका आलू 700 से लेके 900 रुपया क्विंटल, और यहीं पे अगर एमपी इंदौर की बात करें तो यहाँ पे आपका ज्योति आलू बिका है 1000 रुपए से लेके 1300 रुपया क्विंटल, और
एलआर बिका है आपका 1100 से लेके 1450 रुपया क्विंटल में। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में लोकल वाला आलू बिका है 220 रुपए से लेके 250 रुपया मन। मन यहाँ पे 20 किलो का होता है, तो ये जो रेट मैंने बताया है 220 से 250, ये 20 किलो के रेट हैं। और यहीं पे पंजाब का आलू जो बिक रहा है वो बिक रहा है आपका 500 से लेके 550 रुपया पैकेट, और पैकेट का वजन इसमें रहता है 50 किलो। बात करें मुंबई की तो मुंबई में नया आलू बिक रहा है आपका 1100 से लेके 1400 रुपया क्विंटल, और पुराना आलू आपका जो है यहाँ पे अभी भी पुराना आलू जा रहा है, और पुराना आलू आपका इसमें भी जा रहा है उड़ीसा भुवनेश्वर में भी पुराना आलू जा रहा है वहां पे, तो यहाँ पे पुराना आलू बिका है आपका 1500 से लेके 1700 रुपया क्विंटल, और नया आपको बताई दिया 1100 से लेके 1400 रुपया क्विंटल है। बिहार गुलाब बाग की बात करें तो बिहार गुलाब बाग में सफेद आलू बिका है 700 से लेके 750 रुपया क्विंटल, और लाल आलू यहाँ पे बताया गया है 800 से लेके 950 रुपया क्विंटल। वहीं पे बिहार समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पे आपका सफेद आलू बिका है 750 से लेके 850 रुपया क्विंटल, और C40 आलू जो लाल आलू होता है वो बिका है आप पे आपका 850 रुपए से लेके 950 रुपया क्विंटल। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में सिंगूर में आपका जो भाव रहा है वो रहा है 300 से लेके 310 रुपया पैकेट, और वेस्ट बंगाल में भी भर्ती आपको 50 किलो की मिलती है, तो सिंगूर में जो भाव रहा है वो 300 से लेके 310 रुपया पैकेट, और बोईची में भाव रहा है 300 से लेके 320 रुपया पैकेट, और वहीं पे बर्धमान की बात करें तो बर्धमान में आपका 280 रुपये से लेके 330 रुपया पैकेट रहा है, और सीके रोड पश्चिम मिदनापुर यहाँ पे भाव बताया गया है 310 रुपये से लेके 320 रुपया पैकेट, और खिरपई पश्चिम मिदनापुर, खिरपई पश्चिम मिदनापुर में आपका रहा है 300 से लेके 310 रुपया पैकेट। भाई पे अगर बात करें कलना की तो कलना में आपका बिका है 330 रुपये से लेके 345 रुपया पैकेट, और डाक बंगला में 300 रुपये से लेके 325 रुपया पैकेट। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा भुवनेश्वर की तो यहाँ पे आपका नया आलू बिका है 800 से लेके 900 रुपया क्विंटल, और पुराना आलू यहाँ पे भी पुराना आलू बम्बई में भी अभी पुराना आलू जाता है, और यहाँ पे भुवनेश्वर में भी अभी उड़ीसा में भी पुराना आलू यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे 900 रुपये से लेके 1100 रुपया क्विंटल बिक रहा है पुराना आलू। तो ये थी जो अपडेट मुझे अभी तक मिली थी, और बाकी अपडेट अगर आपके पास किसी मंडी की जानकारी है तो कमेंट में रेट जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। अगर आप आलू की खबर से हर रोज अपडेट रहना चाहते हैं तो YouTube पर बाई टी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके नीचे जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दें, तो उससे आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत ही वीडियो को देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, धन्यवाद।